बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वी विल डू वर्क ऑफ सिक्स पीरियड इन टू डेज लेक्चर। ओपन योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 5। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, फोर थिंग्स। फोर थिंग्स इज अ पोएम रिटन बाय हेनरी वेन डाइक। फोर थिंग्स अ मैन मस्ट लर्न टू डू। मस्ट मीन लाजमी या फिर लाजमन। मस्ट मीन लाजमन। चार चीज़ें जो एक शख्स को लाजमन सीखनी चाहिए। इफ़ ही वुड कीप हिज रिकॉर्ड ट्रू। अगर वो अपना नामा एमाल दुरुस्त रखना चाहता है। रिकॉर्ड मीन नामा एमाल। नामा ईमान। टू थिंक विदाउट कन्फ्यूजन क्लियरली। घबराए बगैर वाजिया अंदाज में सोचना। कन्फ्यूजन मीन घबराहट। घबराहट। क्लियरली वाजिया तौर पर। टू लव हिज फेलो मैन सिंसियरली। अपने साथियों से इखलास के साथ मोहब्बत करना। फेलोमैन मीन साथियों। ओके। एंड सिंसियरली इखलास या फिर खलूस। इखलास के साथ या फिर खलूस के साथ। टू एक्ट फ्रॉम ऑनेस्ट मोटिव्स प्योरली। मुखलिस और दयानतदाराना मकासद के साथ अमल करना। ऑनेस्ट मीन दयानतदार। ऑनेस्ट दयानतदार। प्योरली खालिस बगैर किसी मिलावट के। टू ट्रस्ट इन गॉड एंड हीवन सिक्योरली। अल्लाह और जन्नत पर पुख्ता ईमान रखना। ओके। सिक्योरली मीन पुख्ता। सिक्योरली मीन पुख्ता। ओके। बेसिकली हेनरी वैन डाइक वांट टू टेल अस इन दिस पोएम, और द थीम ऑफ दिस पोएम इज One should learn some principle to lead life. These principles are the key to perfection. One should try to be good to others. One should think positively and should ignore the negative actions of people. There should be no hatred around. There should be love and peace everywhere. The most important of all is to have a firm faith in Allah Almighty and existence of heaven. Without these principles, it is hard to achieve goodness. अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में goodness को achieve करना चाहता है, तो जो Henry Van Dyke ने ये चार प्रिंसिपल्स बताए हैं, या फिर इंसान की ये चार क्वालिटीज़ बताई हैं, एक अच्छे इंसान में ये चार क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल हेनरी वैन डाइक ने बताए हैं, अगर कोई शख्स इसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करता है, देन वो गुडनेस को अचीव कर लेता है। सी दिस पिक्चर। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। नेम एदी। देखें ये क्या कर रहे हैं। ये एक बच्चे को खाना खिला रहे हैं। आप लोगों ने इनके बारे में सर्च करना है, देखना है ये कौन थे, इनका क्या काम था, देन आपने इस पॉइंट के साथ इनको रिलेट करना है। ओके। ओपन पेज नंबर 6।
एंड वी हैव टू डू वर्क फ्रॉम पेज नंबर 5 टू पेज नंबर 11 इन टू डेज लेक्चर. ओके, ओपन पेज नंबर 6. वर्ड्स मीनिंग इन माई डिक्शनरी, ये आप लोगों ने याद करने हैं. ओके, रिकॉर्ड मीन अकाउंट ऑफ हैपनिंग, आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में जा रहा है. मोटिव अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, यानी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक रीज़न होनी चाहिए, आपके पास मोटिव होना चाहिए, आपके पास वो विलिंग पावर होनी चाहिए. ठीक है, ट्रू गुड राइट, सिंसियरली ऑनेस्टली विथ ट्रस्ट, मोटिव्स एक्शंस, फेलो मैन, पीपल इन जनरल यानी कोई भी शख्स, स्केयरली इन अ फिक्स्ड मैनर, कन्फ्यूजन अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में कमी आ जाना. प्योरली क्लीनली, वाजिया तौर पर साफ. ट्रस्ट टू हैव अ फेथ.